नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल प्रॉपर्टी विजिट्स में। दोस्तों ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रायबरेली रोड को प्रेफर करते हैं। वो चाहते हैं कि हमें रायबरेली रोड के आसपास ही मिले, पीजीआई के आसपास मिले, मोहनलालगंज के आसपास मिले, तो वीडियो बहुत आपके काम आने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, अप्रूव साइट है, जिला पंचायत से अप्रूव साइट दिखाने वाला हूँ मैं आपको। थोड़ा सा लोकेशन से वाकिफ कर देता हूँ, ये मोरावा रोड है। मोरावा रोड मतलब चित्रकूट हाईवे के नाम से भी फेमस है ये। आप पीछे देख सकते हो गाड़ी गई है, ये हाईवे पे ही है, ये है हाईवे और जहाँ हम खड़े हैं ये हम साइड के गेट पे ही खड़े हैं। एक बार थोड़ा सा घूम के दिखा दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को, ये अंदर पूरी साइट है, बहुत बड़ी साइट है। सब डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि आप जो डील करने वाले हैं किन के साथ करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में बताइएगा। हाँ जी नमस्कार साथियों, मैं SP मौर्य लखनऊ से हूँ और पिछले 5 साल से रियल इस्टेट कारोबार में हूँ। हम आज विजिट कराने आए हैं आपको एक बहुत अच्छी शानदार साइट, जिसका डिटेल अभी सर आपको बताएंगे। सर शुरुआत यहीं से करते हैं जी। मैंने तो हल्का फुल्का अपने व्यूअर्स को बता दिया, आप एग्जैक्टली बताइए हम ये कौन सी जगह लगती है, किस लोकेशन पे है। बिल्कुल, हम लोग जो है यहाँ पे मोहनलालगंज तहसील से 3 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट हाईवे, जिसको पहले मोरावा रोड के नाम से जाना जाता था, अब ये चित्रकूट हाईवे है, तो 3 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट हाईवे पे हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ ये जो साइट है, आसपास पूरा बसावट है यहाँ पर। एक जैसे कि बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो समझ नहीं पा रहे होंगे, आइए चलते हुए बात करते हैं, उनको लैंडमार्क बता देते हैं हम लोग। जैसे कि आपने बताया मोहनलालगंज जो तहसील है वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग हैं जी। मेन हाईवे सामने है, ये तो हमारे व्यूअर्स को पता चल चुका है। देखिए 200 ट्रक जा रहा है, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कितनी दूरी है। हम मेन हाईवे पे हैं, हमें साइट बहुत बड़ी है, लगभग साइट का टोटल एरिया कितना होगा सर? लगभग 40 बीघे का है, 40 बीघा पक्का, 40 बीघे का है। और यदि एक PGI की बात करें, लगभग PGI से कितनी दूरी होगी साइट की? अभी हम लोग सर PGI से लगभग यहाँ पर जो है 8 किलोमीटर दूरी पर खड़े हैं। PGI से लगभग लगभग हम 8 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं जी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो बहुत मोटिवेट होते हैं, हमें लगता है जो हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, चाहे जैसा भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, आजकल तो बहुत मौसम गर्म है, 40 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन बटोर के लेके आ रहे हैं। दोस्तों प्लीज यदि अभी तक नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे वीडियो देखिएगा। सर कुछ हमारे व्यूअर्स को कुछ और आसपास के स्कूल कॉलेज कुछ बता पाए, जिससे कि जो यहाँ से वाकिफ नहीं है इस एरिया से उनको एक आइडिया लग पाए कि हमारी साइट कहाँ है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा भैया, यहाँ पर जो है अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं जी, यहाँ से 3 किलोमीटर के रेडियस में जो है एक सूर्या इंजीनियरिंग कॉलेज है, महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर हम अपने लेफ्ट में चलते हैं तो यहाँ पर अंबालिका इंजीनियरिंग कॉलेज 5 किलोमीटर। यदि हम इसी रोड से आगे चलते हैं तो इसी रोड से आगे जाते हैं तो अंबालिका इंजीनियरिंग कॉलेज है जी। CCND एक बहुत बड़ी बाजार है। इसके साथ ही साथ जो है अगर हम रायबरेली रोड पर देखें तो सरदार पटेल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है अगले 4 किलोमीटर पे। ओके, इसी तरह से जावित्री इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है। ये यहाँ से और आगे जाएंगे तो है, हम मोहनलालगंज से देखें तो हम पहले पढ़ रहे हैं जावित्री, जैसे मैं समझता हूँ सरदार पटेल जो कॉलेज है वो अभी यहाँ से और आगे है, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम किधर हैं। अच्छा सर एक सिंपल सी चीज़ है, देखिए रायबरेली रोड पे भी बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत लोग खरीद रहे हैं जमीन है, यदि ये दोनों देखा जाए तो लगभग लगभग दोनों बराबर हैं, साथ चल रही हैं। हाँ ये दोनों रोड पैरेलल चल रही हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, हम रायबरेली रोड पे क्यों ना चले जाएं? रायबरेली रोड और इस रोड पे क्या है कि ये चित्रकूट हाईवे है जी, तो चित्रकूट हाईवे को जो है सरकार ने वरीयता के तौर पे इसको डेवलप कर रही है जी, जो कि लखनऊ से सीधा राम वन गमन मार्ग के नाम से जो है इसको सीधे चित्रकूट से सरकार जोड़ रही है। ये 4 लेन पास हो चुका है, 2 लेन हाईवे चालू हो गया है जी, और ये 4 लेन बनते ही जो है ये रायबरेली हाईवे से ज्यादा अच्छा पॉपुलर हो जाएगा और ज्यादा अच्छा इस पे ट्रैफिक हो जाएगा। ये मोहनलालगंज से कौन सा कट कहलाता है जिससे कि लोग समझ पाए कि हमें इधर की तरफ आना है? हाँ जैसे ही हम लोग जो है मोहनलालगंज तहसील से आगे 50 मीटर बढ़ते हैं तो राइट में जो कट मिलता है कानपुर रोड पे बाईपास, कानपुर रोड के लिए बाईपास जाता है जी जी, उसी टर्न से हम चलते हैं 1 किलोमीटर जी जी, और 1 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट में जो है स्टार्ट हो जाता है चित्रकूट हाईवे। जहां से चित्रकूट हाईवे स्टार्ट होता है वहां से मात्र 2 किलोमीटर पे हम लोग खड़े हैं, ये साइड जो है मोहनलालगंज से
3 किलोमीटर जी और बाईपास से 2 किलोमीटर की दूरी पर। अच्छा सर एक चीज बताइएगा, मोहनलालगंज के पास में ही हमें लगभग 3 किलोमीटर है, मतलब समझते हैं क्या मोहनलालगंज के अंदर ही है एक तरह से, देखिए जो मार्केट वाला एरिया है जी, तो क्या नगर निगम का क्या इसमें प्लानिंग है यहाँ पर इस एरिया में आने की है या ऑलरेडी आ चुका है? अभी अभी जो है यहाँ पर मोहनलालगंज जो है ऑलरेडी नगर पंचायत में आ गया है जो नगर निगम का एक पार्ट है जी। निकट भविष्य में इस एरिया में 3 किलोमीटर में जहाँ खड़े हैं तो ये एरिया भी जो है आगे आने वाले समय में नगर पंचायत में आएगा और नगर पंचायत फिर ये नगर निगम में एडजस्ट हो जाएगा। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया अगर आज हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन कर लेते हैं, लैंड ले लेते हैं, तो अगले 4-5 साल में जो है यहाँ बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा और ये जितनी भी साइड है यहाँ पे बहुत सारे लोग मकान बना चुके होंगे। आज भी हमारे साइड में जो है लगभग 4 मकान बने हैं, 2-3 परिवार यहाँ रहते हैं। तो इसको देखते हुए 3 किलोमीटर का बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है और ये अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर जो है हमको लगता है कि पूरा एरिया फुल हो जाएगा। दोस्तों मैं एक दो चीजें ऐड करना चाहूंगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने जो चीजें समझी है, रायबरेली रोड पे मैंने कई वीडियोस बनाई है, काफी साइट्स काफी आगे तक चली गई है, मतलब मोहनलालगंज से काफी दूर तक है। यदि उसके हिसाब से आप देखेंगे तो हम तो नियरेस्ट बैठे हुए हैं, मतलब कि 3 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता। और दूसरी चीज़, ये एरिया जिस साइड पर हम हैं इस साइड के अंदर कुछ मकान भी बने हुए हैं, लोग रहते भी हैं। मैं साइड की यदि बात करूं तो ये डामा रोड है पूरी, ये रोड जो अंदर आ रही है सर कितनी चौड़ी होगी? ये सर 50 फीट चौड़ी रोड गई है। प्लीज थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिएगा, हमारे व्यूअर्स को आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली हम लोग कहाँ खड़े हैं। 50 फीट चौड़ी रोड है, मेन रोड है जी, और मेन आगे फ्रंट पे गेट है, गेट से सीधा 50 फीट डिवाइडर रोड जा रही है। ओके बिल्कुल। तो अभी सर जैसे मैं देख रहा हूँ आपके साइड पे काम चल रहा है, तो अभी ये जो चीज़ें हैं कितना समय और लगेगा इसको आप डेवलप कर देंगे? जैसे कि मैंने देखा कि अभी आप डिवाइडर का काम चल रहा है, चीज़ें हैं, तो ये अभी आप उसमें क्या क्या बना के देने वाले हैं और क्या रहेगा? अभी देखिए सर, हम लोगों ने जो है यहाँ पर जितना ये 40 बीघे का एरिया है जिसमें हम पूरे एरिया में जो है डामर रोड बना चुके हैं। हालांकि ये डामर रोड जो है थोड़ा 1-2 साल पुरानी है, तो पूरे आखिरी प्लॉट तक जो है डामर रोड है, नंबर एक बात जी जी। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो है हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के लिए 400 किलोवाट का जो है बिजली विभाग से पावर यहाँ पर जो है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ एक बार, आप देखिएगा बिजली के खंभे लगे हुए हैं, एक बार प्लीज दिखाइएगा जी जी, इसमें बिजली के खंभों में ऊपर पूरा तार गए हुए हैं। ओके ये अंदर की जो लिंक रोड होने वाली है वो कितनी चौड़ी सर? वो 25 फीट की है, सारी रोडें हमारी जो है अंदर की 25 फीट की है। ओके हाँ, मेन रोड 50 फीट का, मेन है 50 फीट की। तो टोटल आपने कितना एरिया बताया था? 40 बीघे का एरिया, 40 बीघे का होने वाला इसमें जी जी। ओके, ये 40 बीघे का लैंड है जिसपे पूरा डेवलपमेंट कर दिया, रोड लाइट नाली ये सब कम्प्लीट हो चुका है। Okay. अब इस पे जो है जो भी बचा हुआ है और ये लगभग लगभग 550 प्लाट हैं इस एरिया में। ओके 550 प्लाट हैं, तो मैक्सिमम हम लोगों ने बेचा भी है जी जी जी, अभी अवेलेबिलिटी कुछ सिलेक्टेड बची है जी जी जी, तो देखा जाए तो इसको लेकर के हम लोगों पास अभी जो है करीब 75,000 स्क्वायर फीट के आसपास एरिया बचा है। अच्छा, जैसे आप मेरे व्यूअर्स को बता सकते हैं, जैसे बाउंड्री बनी हुई है यहाँ पर जी, एक यहाँ पे किसी ने बाउंड्री बना ली है मेन इस पे रोड पे, एक यहाँ पे भी है जी, ये एरिया काफी बड़ा है, तो मेरे को आप बता सकते हैं कि थोड़ा सा प्रोफाइल बता पाए कि कहाँ के लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, जिन लोगों ने यहाँ लिया है या कहाँ से रहते हैं या किस प्रोफाइल के, कुछ हमारे व्यूअर्स को बता पाए? हाँ सर, अभी तक मैं कहूँगा कि ज्यादातर जो है ये जो सामने बाउंड्री हम देख रहे हैं जी, ये तो एक बड़ी बाउंड्री है, इसमें अपार्टमेंट बनेंगे। ओके किसी बिल्डर को हम लोगों ने बेचा हुआ है। ओके 6 बीघे का लैंड है। ओके, और इस पे जो है अपार्टमेंट बनेंगे वो अप्रूवल करके, और ये मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनेगा, अपार्टमेंट और कॉम्प्लेक्स, नंबर एक बात जी। दूसरा क्या है कि जितने और लोगों को हमने बेचा है जी, वो खासकर जो है इस एरिया से लेकर के कानपुर, रायबरेली, बांदा, चित्रकूट जी और प्रतापगढ़ जी, इलाहाबाद के लोगों ने ज्यादातर इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि ये उनके रूट पे है ये। ओके, और पूरे पूरे जो है लाइट हमने जो है पूरे खंभे जो है पूरी साइड में लगा दिए गए, लगा दिए गए जी। सर यहाँ पे जो प्लॉट साइज है और फेसिंग वो क्या होने वाली है? यहाँ पर दो ही साइज है, दो ही फेसिंग है, एक तो पूरब फेस को और दूसरा पश्चिम फेस को, जो प्लॉट उपलब्ध है वो पूरब और पश्चिम फेस में उपलब्ध है। तो साइज क्या रहेगा मिनिमम, यदि पूछा जाए एक मिनिमम छोटा प्लॉट लेना चाहे यदि कोई, तो कहाँ से शुरुआत है? बिल्कुल, हमारे प्लॉट की जो लंबाई है, जो गहराई है वो है 40 फीट। ओके 40 फीट गहराई है, और आमतौर से वैसे हमने 25x40 1000 स्क्वायर फीट का साइज बनाया हुआ है। कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो 20x40
800 स्क्वायर फीट भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि आप छोटे से छोटा देखना हाँ। चाहते हैं प्लॉट, तो आपको 800 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट, और कुछ प्लाट हमारे पास 1250 स्क्वायर फीट है जो 25x50 साइज है, संख्या थोड़ी कम है लेकिन वो भी जो है आपको पूरब और पश्चिम फेस में मिल जाएंगे। मिल जाएगा। सर अधिकतर व्यूअर्स पूछते हैं कि जहां हम रहने वाले हैं तो नियरेस्ट मार्केट कौन सी है, कहां है, रेलवे स्टेशन कहां है जी, हॉस्पिटल्स और स्कूल की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो हमारे कुछ व्यूअर्स को बताइएगा। बिल्कुल जी, एक्चुअल में हम लोग जो है यहाँ पर जो खड़े हैं, हमारी इस लोकेशन से जो है तकरीबन अगर हम स्टेशन की बात करें तो मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मार्केट मोहनलालगंज ऑलरेडी जो है मोहनलालगंज में है, बड़ी मार्केट है। अगर हम अपने राइट साइड में चलते हैं तो फिर जो है यहाँ पर हमारे को मिलती है सिसेंडी मार्केट। अगर हम इंटर कॉलेज की बात करें तो मोहनलालगंज के पास में जो है डॉन बॉस्को इंटर कॉलेज, नवजीवन इंटर कॉलेज, 3 इंटर कॉलेज है वहाँ पे, 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, तीसरा क्रिश्चियन मिशनरीज का कॉलेज है। और हम अगर एक प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यहाँ से 4 किलोमीटर पे जो है हीरालाल इंटर कॉलेज है। ये सब इंटर कॉलेज है सर, तो ये सब चीजें नियरेस्ट मिलने वाली है, ये सब 3 से 4 किलोमीटर के अंदर में ये सारी चीजें मिलने वाली है। तो सर हमारे व्यूअर्स भी वेट करेंगे, क्या रेट यहाँ पे होने वाला है? सर यहाँ पर जो है प्लॉट का रेट जो है 1099 रुपए पर स्क्वायर फीट रखा गया है। 1099 रुपए पर स्क्वायर फीट यहाँ का रेट है जी, बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे जनरल से बात है जितना मैं समझ रहा हूँ, फिर भी रजिस्ट्री कहाँ पे होगी इसकी? हाँ, रजिस्ट्री सर मोहनलालगंज तहसील में होगी। अच्छा, कुछ ऐसे हमारे व्यूअर्स होते हैं या बायर्स होते हैं जो दाखिल खारिज चाहते हैं जी, तो वो दाखिल खारिज की जगह भी यहाँ पे मिल जाएगी? हाँ, यहाँ पर कुछ प्लाट कुछ लोकल एरिया ऐसी है जहाँ पर दाखिल खारिज का है, तो वो प्लॉट दाखिल खारिज हो जाएंगे। दाखिल खारिज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, अब सामने ये मकान बना हुआ है जी जी जी, तो देखिए ये 25x40 1000 स्क्वायर फीट में मकान बना हुआ है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, कुछ बता पाएंगे? ये जॉब क्लास पर्सन है, आर्मी में है, आर्मी अपना हाँ बनवा करके और बिल्कुल इनॉग्रेशन करके जब छुट्टी से आएंगे तो अपना रहेंगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि मकान यहाँ बना है, एक आगे बना है, एक उस साइड बना है, तो 4-5 मकान इस साइड के अंदर बने हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे एक कंपनी मकान बना रही है, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास उसको खरीदने के लिए। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मकान है। सर थोड़ा सा डिटेल दीजिएगा इस मकान की। जी सर, ये 20 फुट फ्रंट है इसका। ओके, 20x40 800 स्क्वायर फीट का प्लॉट साइज है जिसपे हम लोगों ने बनाया है। अंदर 2 बेडरूम है, 1 ड्राइंग रूम है और किचन लेटरिन बाथरूम, ऊपर मुमटी है, जीना और मुमटी, तो ये हम लोगों ने बनाया हुआ है और ये बिल्कुल फिनिश करके देंगे, कंप्लीट जो है जी फिनिश करके। और इसका कीमत जो है 25 लाख रुपए है सर। 25 लाख रुपए में 800 स्क्वायर फीट पे आप ये बना के देंगे जी? ये टोटल थोड़ा सा आप पूरा फुली फर्निश करके देंगे, कैसे कैसे देंगे? हाँ, पूरा फिनिश करके देंगे इसमें, पूरा जो है पूरा टाइल्स लगा के, टाइल्स लगेगा, समर रेडी टू मूव रहेगा, रेडी टू मूव एकदम। Okay, और इसी तरह से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसी तरह के हम पूरे साइड में लगभग 40 से ज्यादा मकान बनाने के प्रयास में हूँ। एक एक मकान बनता जाएगा, बिकता जाएगा। तो ये जो आप इधर दिखा सकते हैं, ये जो हमारे पास जमीन खाली पड़ी है, तो इस जमीन में हम मकान बनाने का प्रोग्राम चालू कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ सर, ये इस जमीनों में हम मकान बनाएंगे। ओके सर, अभी हमने शुरुआत करी है एक मकान की जी 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 जी। तो दोस्तों ये जो मकान हमने आपको दिखाया है ये साइड के अंदर ही है, मैं आपको चौथा तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको आसपास के एरिया का आइडिया लग जाए। यह है मकान, 800 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और 25 लाख रुपए में मिलेगा, पूरा मेंटेन करके देंगे। जिस हालात में आप देख रहे हैं इस हालात में नहीं, मतलब ऐसा कि आप अपने घर का सामान लाइए और रहना शुरू कर दीजिए। पसंद आ रहा हो तो नीचे नंबर है, तुरंत कॉल करिए। दोस्तों जैसे सर ने बताया कि ये पूरी गेटेड सोसाइटी है, यहाँ लगभग 40 बीघे की है, 50 फीट चौड़ी रोड आने वाली है, अंदर की लिंक रोड है 25 फीट होने वाली है, पूरी बाउंड्री वॉल से कवर करके आपको मिलने वाली है। ये चीज़ें तो आप लोगों ने समझ ली, लेकिन बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको इस एरिया से वाकिफ नहीं होंगे, जो सोच रहे होंगे कि यहाँ लगाएं पैसा या कानपुर रोड पर लगाएं या हम सीतापुर रोड पर लगाएं, कहाँ लगाना चाहिए। यदि आप इसी लोकेशन को प्रेफर करते हो तो मैं आपको जानकारी दे दूँ, मोहनलालगंज को एक टेक्सटाइल हब बनाया जा रहा है, मतलब कि यहाँ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया बनने वाला है जो कि कपड़ों मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बिलोंग करेगी, उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप होने वाली है जिसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। यदि आप यहाँ देखो नियरेस्ट बड़े जो ब्रांड है रियल एस्टेट के, वो DLF भी आपको पास मिलने वाला है, जैसे मैंने यहाँ पर देखा है DLF। थोड़ा सा और आगे आप चलेंगे तो आपको ओमेक सिटी भी मिल जाएगा, यहीं आपको यदि थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो बहुत फेमस हॉस्पिटल है PGI भी आपको यहीं मिलने वाला है, आउटर रिंग रोड भी। आउटर रिंग रोड की कितनी दूरी होगी सर? सर यहाँ से 5 किलोमीटर पे है।
5 किलोमीटर में आउटर रिंग रोड मिल रही है। तो दोस्तों देखिएगा, लखनऊ का डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कहने मतलब लखनऊ एक डायरेक्शन पे नहीं बढ़ रहा है, चौथ तरफ से बढ़ रहा है, तो आउटर रिंग रोड उसका एक बहुत बड़ा एक रोल है। तो एक बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, यदि आप रहना भी चाहो तो मकान बना के रह सकते हो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे भी एक मकान बन रहा है, मैंने आपको आगे भी दिखाया था, एक बार प्लीज़ पीछे भी दिखाइएगा सर, देखिए वहाँ पे भी मकान बन रहा है। तो और यहाँ पे कुछ फैमिली घर बना के रहते भी हैं, तो आप यदि रहने के पर्पस लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। आसपास स्कूल कॉलेज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। दोस्तों आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।